चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड नमस्कार। वेल, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इडली बैटर। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि लॉकडाउन चल रहा है तो हम घर पे कम से कम चीज़ों से एक अच्छा इडली बैटर कैसे बना सकते हैं, तो आज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी मैंने सीखी है मेरी फ्रेंड से जो कि साउथ की है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बैटर कितना अच्छा बना होगा। वेल, मेरी पुरानी फ्रेंड है, तकरीबन हमारी फ्रेंडशिप को आज 10 साल हो गए हैं एंड आई मिस यू डियर। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ बैटर, इससे आप बना सकते हैं ये सारी रेसिपी। तो बहुत टाइम पहले हम लोग जूनियर कॉलेज में एक्चुअली साथ में थे, तो उस टाइम पे मैंने ये सीखा था। तो मैं नॉर्मली घर पे जब भी बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस भी है और ये इडली बैटर बहुत ही अच्छा बना है। आप इसे बनाएंगे तो आपको ये पसंद आएगा। तो शुरू करें। कोई भी छोटी सी कटोरी ले लें मेजर करने के लिए। ये मैं कटोरी ले रही हूँ जिससे हम दाल सर्व करते हैं, तो ठीक है। दो कटोरी ले लेंगे चावल, कोई स्पेशल चावल नहीं लेना है, जो भी घर पे यूज़ करते हैं हम बस वही चावल ले लीजिए। दो तीन बार अच्छी तरह से धो लीजिए, पानी डाल दें इसमें अच्छी तरह से डुबो के और सोकिंग के लिए रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे उसी कटोरी में एक कटोरी उड़द की दाल, इसे भी अच्छी तरह से धो लें। हाँ, दो से तीन बार धोएं, कंजूसी बिल्कुल ना करें, पेशेंस रख के धो लीजिए। पानी डाल के सोकिंग के लिए हम इसे रख देंगे और ये दोनों चीज़ों को हम तकरीबन एक रात तक सोकिंग के लिए रखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। तो सबसे पहले चावल देख लेते हैं, चावल बहुत ही अच्छे फूल गए हैं, तो इसे फिर से अच्छी तरह से धो लेना है दो से तीन बार। आप कहेंगे मैं बार बार ये चीज़ें धोने के लिए क्यों कह रही हूँ, अरे भाई कोई और ऑप्शन नहीं है इसीलिए। तो अब देखते हैं दाल, दाल भी बहुत अच्छी फूल गई है, इसे मैंने दो बार धो लिया है। और चलिए अब इसका हम पेस्ट बनाते हैं। सबसे पहले दाल ले लेते हैं। पेस्ट बनाते वक्त आप याद रखें कम से कम पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएं, अगर ज़्यादा पानी हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी आई है। क्या है कि पानी तो हम पेस्ट में बाद में भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़रूरत होगी तो पीसते वक्त पानी कम से कम डालें आप, जितने से कि आप पेस्ट बना सकें, ओके। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो दाल का तो ये देखिए पेस्ट यहाँ पे बना लिया है मैंने, तो ये दाल का हमारा पेस्ट बनके पूरी तरह से तैयार है। अब हम बनाते हैं चावल का पेस्ट, ठीक है। तो चावल का पेस्ट बनाते टाइम भी सेम बात आपको याद रखनी है, जितना हो सके कम से कम पानी से पेस्ट बना लीजिए, ज़्यादा पानी डालने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ये देखिए कंसिस्टेंसी, तो दोनों चीज़ों का पेस्ट बन गया है, दोनों पेस्ट को एक ही बाउल में मैंने निकाल लिया। तो अब इसे पूरे पेशेंस के साथ अच्छी तरह से मिलाएं ताकि ये दोनों पेस्ट जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये मैंने मिला दिया यहाँ पे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दो चुटकी सोडा, तो ये गया सोडा। और फिर अब हम डालेंगे नमक, तो ये गया नमक। और अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। एक बात याद रखें कि चटनी या सांभर के साथ जब आप सर्व करोगे तो चटनी और सांभर में भी नमक होता है, तो नमक थोड़ा ही डालें। तो ये अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है और अब इसे ढक के रख देंगे तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए। इसको हम ढक के रख देते हैं। तो चलिए 10 से 12 घंटे हो गए हैं, तो ये देखिए पेस्ट हमारा बहुत ही अच्छा फूल गया है और ये बिल्कुल तैयार है। आप जो मन में आए, जो मन करे वो रेसिपी बनाएं, सारी रेसिपी इससे बहुत ही अच्छी बनती हैं और ये बहुत अच्छा बनता है। मुझे तो यही पसंद है ज़्यादातर, तो हम तो घर पे हमेशा यही बनाते हैं। तो इस बार आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और साउथ की ये सारी डिश आप घर पे लॉकडाउन में भी इंजॉय कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर कीजिए और साथ ही मुझे कमेंट करें। साथ ही आप अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं मुझे, ओके। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, मे बी क्रिएटिविटी के साथ
या फिर हो सकता है एक नई रेसिपी यानी कि टेस्ट के साथ। तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ और जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।